lecture, I continue of chapter number 3. In the last lecture, I had explained you about the seed journey. It means seed kaise develop hota hai, how it is grow with the sunlight and with the rainy season. Now, in this section, I explain the different types of seeds. Already I explained in the last video. But in this session, I explain the seeds are divided into three parts. सीड को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. देन फर्स्ट पार्ट इज पल्सेस, सेकंड इज सीरियल्स एंड थर्ड इज ऑयल सीड्स. बिकॉज सीड्स बहुत ज्यादा होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स आर देयर, सो देन सीड्स आर डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स. नाउ आई एम एक्सप्लेन द ईच वन पार्ट इन डिटेल. फर्स्ट इज पल्सेस. लुक एट द प्लेटफॉर्म. पल्सेस सीड्स हैविंग ब्रोकन into two equal halves but leaving no oily marks on a paper during rubbing are called pulses. It means pulses होते तो seeds ही हैं, but आपको कैसे पता चलेगा कि which one seeds are belong to pulses, belong to seeds and कौन से oily seeds हैं. So, उसको आपको खुद से एग्जाम्पल करने का there's a one activity is there. You take a different types of seeds, okay? And put it on the paper. उनको पेपर पर रख दो and you broke करो. आप उसको broke करो with a stone. किसी भारी पत्थर से आप उसको broke करो. If seed, अगर seed दो हिस्सों में into two equal halves, वो दो हिस्सों में कट हो जाता है, टूट जाता है. एंड ऑन द पेपर, विच अ पेपर, पेपर पर कुछ भी ऑयल का निशान, पेपर पर अपने रब करने के बाद ही वी आर वी रब दिस पेपर, उस सीट को पेपर पर रब करो, उस पेपर पे रब करने के बाद उसमें कोई भी ऑयली ऑयल का कोई मार्क नहीं है, नथिंग ऑयल मार्क इज देयर, इट मींस दैट सीट इज अ पल्सेस. ऐसे सीट्स को क्या बुलाते हैं, पल्सेस. आई गिव द टू एग्जाम्पल्स आर देयर, ब्रॉड बीन, मूंग, एंड आपके घर पर वो भी उगाते हुए जो भी पल्सेस ऐसे आपके घर में बहुत सारी होंगी. सो यू ट्राई एट योर होम, यू टेक देयर सम सीड्स एंड पुट ऑन द पेपर, उनको स्टोन से तोड़ो, ब्रोक करो. इफ देयर पल्सी इज ब्रोकन इन टू इक्वल हाफ पार्ट्स, टू इक्वल हाफ बट ऑयल नहीं गिरे, इट्स ऐसे कॉल्स, ऐसे सीड्स को क्या बोला जाता है, पल्सेस. ओके, नाउ माय सेकंड इज सीरियल्स, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज सीरियल्स. सो दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, सीरियल्स. ओके, लुक एट द बैकग्राउंड. द सीड्स व्हिच टर्न इनटू ब्रोकन, यानी कि टूट जाना, ब्रोकन पीसेस और पाउडर are called or known as cereals. It means which one taken activity taken in our pulses. जो pulses में हमने activity ली, we take some seeds on the white paper and we broken with a stone. आपको वो stone से broke करना है. और अगर वो stone से broke करने में जो seeds दो हाफ में equally broke हो जाता है, वो seed perfectly. It's called the pulses. But कुछ seeds ऐसे होंगे, some seeds are there जो powder हो जाएंगे, like powder किसे होता है, अगर ऐसे में convert हो जाए, ऐसे seeds को बुलाया जाता है cereals. Which one seeds after the broken it's convert into powder, एकदम powder के रूप में convert हो जाए, ऐसे seeds को क्या बुलाते हैं, cereals. Okay, I'll give some example. Wheat, corn, oats, rye, वो काले काले दाने थे जो दाल में डालते हैं, rice, it means चावल, etc. So my dear students, you take it any one seed, आपके घर में जो भी seed available हो इनमें से, you take it, उनको एक paper पर रखना, उनको stone से block करके देखना, देखो वो powder के रूप में convert हो रहे थे. If this seeds after the broken it's a powder is there, so it's called the cereals. Okay, now
oil seeds. It's a types of seeds. ये भी seed का एक type है. The seeds releasing oil while breaking into pieces or making paste or powder are known as oil seed. Example, sunflower seed and sesame seed. It means हमने अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया pulses. I am teaching about pulses and teach about the cereals. So same activity we follow in this one. Find out this one seeds कि कौन से oil seeds होते हैं. And listen, आपने पेपर लिया, पेपर पर आपने सीड रखा, ठीक है. अगर कोई भी सीड पेपर पर रखने के बाद यू ब्रोकन विथ अ स्ट्रॉ, किसी भी बारीक चीज से आप उसको ब्रोक करो. इफ सीड इज ब्रोकन टू इक्वल पार्ट टू हाफ पार्ट्स तो इट्स कॉल्ड अ पल्सेस विदाउट रिलीजिंग एनी ऑयल ड्रॉप. बिना किसी ऑयल रिलीजिंग के अगर कोई सीड दो हिस्सों में टूट जाता है इट्स कॉल्ड पल्सेस. ओके, नाउ व्हाट्स द मीनिंग, व्हाट्स द डिफरेंसेस ऑफ सीरियल्स. अगर उसी सीड में से उस सीड का वहां पर पेज के ऊपर सीड को तोड़ने के बाद आफ्टर द ब्रोकन इट इज कन्वर्ट इन अ पाउडर, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाए इट्स कॉल्ड सीरियल्स. ओके, नाउ ऑयल सीड उसी सीड में से टूटा या पाउडर हुआ बट उसने वहां पर कोई ऑयल का ऑयल रिलीज किया, कुछ भी ऑयल का ड्रॉप ड्रॉप गिरा, ऑयली हुआ वो पेपर इज कॉल्ड द ऑयल सीड्स. आई गिव द टू एग्जांपल्स हियर, वन सनफ्लावर. आई आल्सो शो दिस वन पिक्चर इन द लास्ट लेक्चर, इसकी पिक मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूं. व्हिच इज व्हाट इज द सनफ्लावर. नाउ दिस सेकंड इज सीसम. ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं. नाउ आई हैव गिवन द एक्सरसाइज रिलेटेड ऑफ दिस टॉपिक. Okay students, now exercise time. Which one topic today explain you? Today explain you about pulses, cereals and oil seeds. So now I start the one exercise. Okay, so look at this table. Okay, in this table there are three columns are there. Okay, in the first column seeds having broken into two equal halves but leaving no oil marks on a paper during rubbing are called pulses. Again I am repeating you, seeds having broken into two equal halves but leaving no oil marks, it means seed ki equal half hone ke baad bhi usme se kuch bhi oil mark na gire paper par, it's called a pulses. Okay, now look at the second column. The seeds which turn into broken pieces or powder are called or known as cereals. Again I repeating you, the seeds which turn into broken pieces or powder are called or known as cereals. Okay, now third column. The seeds releasing oil while breaking into pieces or making paste or powder are known as oil seeds. It means jis seed mein se oil release hota ho is called oil seeds. Now I am showing you one more table with the answer. Okay students, look at this table. The first column is heading is seeds with two equal halves. Okay, then four boxes are there. In the first box the answer is green gram, second pigeon peas, third Bengal gram, fourth peas. Okay, now look at then second column. In second column four boxes are there. In the first box first is wheat, second maize, third jowar, fourth
millet. Okay, now last column, pieces or powder of seeds leaving oily spots on paper during rubbing. Okay, in column, then four boxes are there. In the box, I note down. Answer is sesame. Second, castor. Third, groundnut. Fourth, mustard. I hope you all have understand today's topic. Okay, students, now homework time. You note down this table in your notebook. जो टेबल आज मैंने आपको सिखाई वो आपको अपनी नोटबुक में वन टाइम लिखनी है. यू राइट दिस टेबल विथ आंसर्स इन योर नोटबुक ओनली वन टाइम. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.